हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास टेंथ। टुडे इन माय वीडियो लेक्चर वी एक्सप्लेन द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस सच एज हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक्स में हमें देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट्स कार्बोनेट CO3 टू माइनस और मेटल EM CO3। तो मेटल कार्बोनेट EM CO3 टाइप हो सकता है और EM2CO3 टाइप हो सकता है EM2CO3। तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन मेटल EMHCO3, जैसे इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। दिस इज मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट फॉर एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, दीज आर मेटल कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड बेसिस। तो स्टूडेंट्स, मेटल हाइड्रोन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट एसिड बेस से रिएक्शन करता है, तो मेटल कार्बोनेट्स स्पेशली ये बेसिक करेक्टर होता है। तो इसके पहले स्टूडेंट्स, आपने आपको पता होगा कि एसिड्स में अगर हम बेस मिलाते हैं, एसिड में बेस मिलाते हैं, तो यह फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज न्यूक्लियेशन प्रोसेस। तो सेम इसी तरह से जो अभी हमने देखा कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दीज आर बेसिक प्रॉपर्टी, ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है। तो ये अगर रिएक्शन करता है एसिड से या बेसिस से, तो इसमें स्टूडेंट जो है कि साल्ट तो बनेगा ही, उसके साथ साथ कार्बोनेट है। कार्बोनेट होने के रीजन से यह कार्बन डाइऑक्साइड का भी एलिमिनेशन करेगा। तो इसका समरी क्लू हम यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ राइट किया गया NCERT में, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप थोड़ा चेक कीजिएगा, मेटल्स मेटल कार्बोनेट्स और मेटल आयरन कार्बोनेट प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। तो अभी जो स्टूडेंट्स हमें बात कर रहे थे कि यह साल्ट एंड वाटर का तो फॉर्मेशन होता है जब वह एसिड और बेस हो। जैसे एसिड है, इसकी प्रॉपर्टी अगर बेसिक है, तो ऐसे कंडीशन में साल्ट और वाटर बनेगा, लेकिन यह जो है कार्बोनेट होने से यह कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपको दिखाया गया है फिगर्स, एक्टिविटी 2.5 को आप देख रहे हैं, इसमें अप्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें रिलीज होता है। तो इसके लिए यह जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में स्टूडेंट्स जो पॉइंट यहाँ चेक कर रहे हैं कि एक आपने लिया है इस ये आपका स्टैंड हो गया, ठीक, और यह जो है आपका यह डिलीवरी ट्यूब्स हो गया, यह टेस्ट ट्यूब है जिसमें रखा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है, टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, और यह जो टेस्ट ट्यूब जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यह टेस्ट ट्यूब, यह इसमें हमने लिया है डाइल्यूट HCl और इसी में हमने मिक्स कर दिया है जो है सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ये रिलीज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एंट्री करेगा कैल्शियम हाइड्रोन कार्बोनेट्स में, और ये कैल्शियम हाइड्रोन कार्बोनेट्स अगर मिल्की हो जाता है तो इससे प्रूफ होता है कि ये कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH2, अगर इसमें हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो यह जो है यह मिल्की कलर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दैट इज मिल्की, यह मिल्की कलर प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स इस फिगर को आप केयरफुली देख सकते हैं, और यहाँ जो एक्टिविटी ये आपको दिया जा रहा है 2.5 एक्टिविटी, पहले एक्टिविटी हम चेक कर लें कि टेक टू टेस्ट ट्यूब लेबल ANB, जो भी आपने देखा टेस्ट ट्यूब आपका जो है यहाँ लेबल लगा हुआ है, यह टेस्ट ट्यूब ए है, यह टेस्ट ट्यूब आपका जो है ये बी है, क्लियर। इसके बाद हम चेक करेंगे टेक 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट लिया गया है 0.5 ग्राम इन ए टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में, ओके। एंड अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोन कार्बोनेट्स इन टेस्ट ट्यूब बी, ओके। एड अबाउट 2 मिली ऑफ डायलूट HCl बोथ टेस्ट ट्यूब, इसी में क्या कर रहे हैं हम HCl जो है डिजॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा कि जैसे ही सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करता है, जो HCl हमने इसमें पास किया, ठीक है, HCl से रिएक्शन करेगा कार्बन का प्रेसिपिटेट इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। पास द गैस, नेक्स्ट पॉइंट को हम चेक करते हैं, पास द गैस प्रोड्यूस इन इस केस थ्रू आउट लाइम वाटर, ये गैस जो है इस लाइम वाटर में पास करेंगे जो आप यहाँ देख रहे हैं लाइम वाटर में, ठीक है, एज शोन इन द फिगर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे कि ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, लाइम वाटर क्या हो जाएगा मिल्की कलर, ओके। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम यहाँ चेक करते हैं, रिएक्शंस रिएक्शन आप यहाँ देख लीजिए, जो रिएक्शन आपको शो किया जा रहा है टेस्ट ट्यूब ए में लिया गया था सोडियम कार्बोनेट और टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या किया गया HCl मिक्स किया गया है HCl, क्लियर। फॉर्मेशन हुआ है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का वाटर का, वाटर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इलिमिनेशन हो रहा है, तो इससे प्रूफ होता है कि कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट में अगर हम एसिड मिलाते हैं तो साल्ट वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम पास करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, ये लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, तो इससे कलर इसका हो जाता है मिल्की कलर। तो मिल्की कलर लाइम वाटर को होना यह प्रूव करता है कि रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इलिमिनेट, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन में इलिमिनेशन हो रहा है। एक बार फिर से हम इस फिगर को शो कर दे रहे हैं, जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर टेस्ट ट्यूब ए में लिया गया है आपका जो है सोडियम कार्बोनेट्स, इसे मिक्स किया गया है HCl, HCl मिक्स करने पर यह साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की इलिमिनेशन करेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवरी ट्यूब से आ जाएगा, जो है टेस्ट ट्यूब लिया गया है, टेस्ट ट्यूब में लिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा आपका मिल्की कलर, प्रूफ होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इल्यूशन, क्लियर। जो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करते हैं तो मिल्की कलर ऑब्टेन होता है। स्टूडेंट देखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आता है कि ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है कि इसमें अगर हम जो है जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं,
कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने इसमें पास किया और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बन में चेंज होकर मिलके दे दिया। अगर हम इसी में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस पास करते रहें तब क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम इसमें एक्सेस पास करते रहेंगे तो यह जो है रिएक्शन जो आप यहाँ देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन ऑपरेट होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जो देख रहे हैं ये ऑन पासिंग ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम पास करते हैं तो ये जो पहले कैल्शियम कार्बन बना था, कैल्शियम कार्बन का जो ये सोलूशन बना था, जैसे अभी हम यहाँ एक रिएक्शन भी दिखा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, पहले आपने क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, ओके, फॉर्मेशन हुआ आपका जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O मिल्की कलर। अब ये कैल्शियम कार्बन जो बना उसी टेस्ट ट्यूब में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करेंगे, एक्सेस। तो एक्सेस जब पास करते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन का फॉर्मेशन होगा, ये मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो पॉइंट रिटेन किया गया इसको थोड़ा चेक कर सकते हैं आप कि लाइमस्टोन लाइमस्टोन चाक मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन चाक मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए करिस्पॉन्डिंग साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज, रिएक्शन को हम इस तरह समराइज करते हैं। तो स्टूडेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेटल कार्बन रिएक्शंस। ये एक्सपेरिमेंट बेस आपको लैब में एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा जिससे आपको ये इसका जो है आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट्स, सो टेक केयरफुल रिटेंस एंड लिसन। थैंक्स।